दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले किसान आंदोलन को चुनाव तक टालना चाहती है सरकार। दरअसल ट्रैक्टर मार्च से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों पर किए जा रहे सख्ती प्रदर्शन की भी आलोचना की। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की पॉलिसी है कि इस आंदोलन को चुनाव तक आगे ले जाओ ताकि चुनाव के बहाने इसे दबा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को किसान और भारत सरकार दोनों से डर है। उन्होंने कहा कि किसान की हालत खराब है, किसान की जमीनों को लूटा जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चंडीगढ़ में हम लोगों की बड़ी बैठक हुई है और जल्द ही आगे की रणनीति तय करेंगे। अगली बड़ी खबर है एमएसपी की मांग को लेकर, आज किसानों ने जगह जगह निकाला ट्रैक्टर मार्च। दरअसल नोएडा में सेक्टर 44 महामाया फ्लाईओवर तक भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इसके अलावा गाजियाबाद पुलिस ने मोदी नगर भोजपुर कट से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चढ़ने का प्रयास कर रहे किसानों को भोजपुर में रोक दिया। इसके बाद किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में निवाड़ी गंगनहर पुल पर जमे हुए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली की सीमाओं पर अर्धसैनिक बलों की संख्या में इजाफा किया गया है। रिजर्व बटालियन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पिकेट से लेकर बैरिकेड कंटेनर की व्यवस्था कर सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ पार पार के मूड में किसान, एक बार फिर ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरे किसान। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले फसलों के लिए एमएसपी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान आज एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं और एनसीआर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दिल्ली में नहीं घुसेगी, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कहते हुए आवाजाही बाधित करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि सरकार किसानों को ना भूले। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का ट्रैक्टर श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम है। दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे, खासकर डिवाइडर हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से अलग अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है ताकि सरकार हमारी बात सुने और सरकार किसानों को ना भूले। अगली बड़ी खबर, किसानों ने हरिद्वार से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक बनाई ट्रैक्टरों की श्रृंखला, अब WTO का फूकेंगे पुतला। दरअसल किसान संगठनों ने हरिद्वार से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर से आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद वो मेरठ होते हुए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंचे। इसके अलावा हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अब किसान WTO का पुतला फूकेंगे। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जताई चिंता, बोले अग्निपथ योजना से टूट गया 2 लाख युवाओं का सपना। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि उन करीब 2 लाख नौजवानों के साथ में न्याय किया जाए जिनका चयन सेवा की नियमित सेवा में होने के बावजूद उनकी भर्ती नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार उनकी भर्ती रोककर अग्निपथ योजना लेकर आई जिसके कारण इन युवाओं को झेलनी पड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह भी कहना है कि अग्निपथ योजना देश के जवानों के साथ में भेदभाव करने वाली योजना है। अगली बड़ी खबर, अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान, बोले न्याय की इस लड़ाई में हम साथ खड़े रहेंगे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लेकर इस योजना में हस्तक्षेप की मांग की है। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि न्याय की इस लड़ाई में हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्ति और बहादुरी से सराबोर सैन्य अभ्यर्थियों के लिए न्याय की इस लड़ाई में हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले ये उद्योगपतियों की सरकार है। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बात मान ले, अगर ये ट्रैक्टर हाईवे पर आ गए तब टेंट बिगाड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका दिल्ली का कोई प्रोग्राम नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि हम सरकार को आगाह कर रहे हैं लेकिन सरकार बात कहां कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार है ही कहां, ये तो उद्योगपतियों की सरकार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बात मान ले, अगर ये ट्रैक्टर हाईवे पर आ गए तब टेंट बिगाड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार को मजबूर करना चाहते हैं किसान, इसीलिए जगह जगह किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल किसानों ने आज यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, हापुड़ और अमरोहा सहित कई जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान कई जगह ट्रैफिक बाधित रहा। मेरठ में मोहिद्दीनपुर में NH 58 को किसानों और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च का उद्देश्य नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए मजबूर करना है।
अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले इस्लाम में सुधार नहीं बल्कि हिंदुत्व को लागू करना चाहती है बीजेपी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि वे इस्लाम में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग इस्लाम में सुधार नहीं बल्कि हिंदुत्व को लागू करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी की ये मुसलमानों से आखिर कैसी मोहब्बत है कि वे हमारी मस्जिदें छीनना चाहते हैं, हमारी बच्चियों के सिर से हिजाब को छीनना चाहते हैं, बिल्किस बानो के गुनेगारों को रिहा करते हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर में पीएम मोदी चादर भिजवाने का काम तो करते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये कौन सी मोहब्बत है कि आप मस्जिदों को हमसे छीनना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने देश को दी 41,000 करोड़ रुपए की सौगात, 550 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 41,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसमें 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भी शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्केल और स्पीड से अब काम हो रहा है वो हैरत में डालने वाला है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 300 से ज्यादा जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की पूर्व विधायक का फूटा गुस्सा, कहा कांग्रेस में महिलाओं के लिए कोई भविष्य नहीं, 47 साल के बाद छोड़ दी कांग्रेस पार्टी। दरअसल बीजेपी में शामिल हुई पूर्व कांग्रेस विधायक एस विजया धरानी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बड़ी आलोचना की। 27 साल बाद कांग्रेस को अलविदा कहने वाली पूर्व कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि जब कांग्रेस में नेतृत्व की बात आती है तो महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हाई कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को व्यास तहखाने का रिसीवर नियुक्त करने के जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद समिति की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि व्यास तहखाने में हिंदू प्रार्थनाएं जारी रहेंगी। वाराणसी जिला अदालत ने जनवरी में फैसला दिया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में जिसे व्यास तहखाना कहा जाता है उसमें पूजा कर सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में मुलायम सिंह यादव सरकार के फैसले पर उठे सवाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला पूजा रोककर गलत किया। दरअसल ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दे दी है। व्यास तहखाने में अब पूजा जारी रहेगी। सोमवार को कोर्ट ने मस्जिद समिति की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 31 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूजा पर रोक लगाना गलत कदम था। खास बात यह है कि उस दौरान राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगली बड़ी खबर, दिन दहाड़े गोली मारकर नफे सिंह राठी की हत्या पर बीजेपी पर जमकर बरसे सत्यपाल मलिक, बोले नंबर वन राज्य को जंगल राज बना दिया। दरअसल हरियाणा के झज्जर में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या करने पर सूबे में भारी उबाल है। बहादुरगढ़ में इस हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस बीच पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खट्टर सरकार किसानों के साथ तो अपराधियों जैसा व्यवहार करती है, लेकिन आज अपराधी अपराध से पहले वे अपराध के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। इस तरह उन्होंने नफे सिंह के मर्डर को किसान आंदोलन से भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधी यदि खुलेआम घूम रहे हैं तो ये चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आज विकास में नंबर वन हरियाणा प्रदेश को जंगल राज बना दिया है। बड़ी बड़ी खबर, बसपा सांसदों में चुनाव से पहले मच गई भगदड़, तीन और बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। दरअसल मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अकेले ही लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया है, लेकिन पार्टी के नेता इससे सहमत नजर नहीं आ रहे। इसी के चलते पार्टी में अब भगदड़ के हालात पैदा हो रहे हैं। पार्टी सांसद रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, उन्हें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। यही नहीं, अब चर्चा है कि बसपा के तीन और सांसद बीजेपी का रुख करने वाले हैं। इसके अलावा दो सांसद कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और वेस्ट यूपी के एक सांसद रालोद के साथ में जा सकते हैं। आपको बता दें कि अब चुनाव से ठीक पहले मायावती की पार्टी में भगदड़ जैसे हालात हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, मनोज जरांगे पर जमकर भड़के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले धैर्य की परीक्षा न लें। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो राज्य सरकार के धैर्य की परीक्षा न लें। आपको बता दें कि पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो लोग
सरकार के खिलाफ बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उन्हें कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जरांगे का भाषण आमतौर पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रिप्ट जैसा क्यों दिखता है। आपको बता दें कि फिलहाल मनोज जरांगे ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उनके घर तक पैदल मार्च करूंगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे को कड़ी चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो राज्य सरकार के धैर्य की परीक्षा न लें। अगली बड़ी खबर, ईडी के सातवें समन पर भड़के केजरीवाल, बोले हमें मैसेज आया कि गठबंधन तोड़ दो लेकिन हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ईडी के सातवें समन पर भी पेश नहीं हुए हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। जब ईडी खुद ही कोर्ट में गई है तो फिर वो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर सकते हैं? कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए, अगर कोर्ट कहेगा कि जाइए तो हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है और बार बार समन भेज रहे हैं, कई जगह से मैसेज आए हैं कि गठबंधन तोड़ दो लेकिन हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, कौरव और पांडवों का जिक्र कर बोले गृह मंत्री अमित शाह, आज एक तरफ देशभक्त हैं तो दूसरी ओर सात परिवारवादी हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के गठबंधन की तुलना कौरवों से करते हुए कहा कि देश को दो खेमों में से एक को चुनना है, एक भाजपा है जो देशभक्तों के समूह की तरह खड़ी है, जबकि दूसरी तरफ परिवार आधारित पार्टियों का गठबंधन है। अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल समेत तीन शहरों में तीन बैठकों को संबोधित किया है। बड़ी बड़ी खबर, राहुल गांधी की सीट पर ही नहीं टिक पाया इंडिया गठबंधन, वायनाड से सीपीआई ने कर दिया उम्मीदवार का ऐलान। दरअसल केरल की जिस वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद हैं, वहां भी इंडिया गठबंधन नहीं टिक पाया है। गठबंधन में शामिल सीपीआई ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सीपीआई ने वायनाड लोकसभा सीट से एनी राजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने इस बात की खुद जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी बड़ी घोषणा, बोले यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो खत्म कर देंगे अग्निपथ योजना। दरअसल कांग्रेस ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को युवाओं के साथ अन्याय करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इस योजना को निरस्त कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल कर दिया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।